नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं आईब्रो पेंसिल के बारे में। जी हाँ, हम किस तरीके से अपनी आईब्रो पेंसिल को चूज कर सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया और किस तरीके से आप अपने आईब्रो पेंसिल को चूज कर सकते हैं अपने स्किन टोन के कलर के हिसाब से। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम अपने फाउंडेशन को चूज करते हैं अपने जो लाइन एरिया पर लगाकर, इसी तरीके से हम अपनी आईब्रो पेंसिल को भी चूज कर सकते हैं अपने स्किन कलर के हिसाब से। और वैसे भी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, इंडियन स्किन टोन पर ज्यादातर जो दो शेड सूट करते हैं, ये है ब्लैक और ब्राउन, बहुत ज्यादा सूट करते हैं इंडियन स्किन टोन पे, क्योंकि इंडियन स्किन टोन थोड़ा टस्की होता है, तो उस पर ज्यादातर यही कलर सूट करते हैं। तो जितना भी मैंने मेकअप सीखा है अपने करियर में अब तक, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने आईब्रो पेंसिल को किस तरीके से चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी, अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है या ब्रो पोमेड वगैरह नहीं है, तो आप आई शेडो की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी शायद जानते भी होंगे, और मेरे पास इस वक्त है ये 3 कलर की आईब्रो पेंसिल्स हैं। वैसे तो आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह के ब्राउन कलर के शेड्स आते हैं, जैसे कि लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ग्रे शेड आता है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, इस तरीके से भी काफी सारे शेड्स आते हैं। बट मैं यहाँ पर 3 ऐसे शेड्स आपको दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, और बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है इसे इस्तेमाल करना। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास है ये 3 आईब्रो पेंसिल्स हैं, ये ग्रे है और ये ब्राउन कलर की पेंसिल है और ये है ब्लैक कलर की पेंसिल। और मैं यहाँ पर आपको अपनी आईब्रोज को भी फिल कर दिखाऊंगी कि इन तीनों में से मेरी स्किन टोन के हिसाब से कौन सा शेड मुझे परफेक्ट लगता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर हमारी यहाँ पर आईब्रोज की ग्रोथ में एंड में और स्टार्टिंग में बाल कुछ कम होते हैं, यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी जो आईब्रो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड में और स्टार्टिंग में ग्रोथ थोड़ी कम है, और मेरी आईब्रोज पर दोनों ही तरह के शेड सूट करते हैं, ब्लैक और ब्राउन। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी आईब्रोज की स्टार्टिंग में और एंड में ग्रोथ जो होती है, हेयर ग्रोथ, वो काफी कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर आप या स्टार्टिंग में लगाकर अपनी आईब्रो पेंसिल का कलर जो है चूज कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। तो चलिए देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ डिब्रोहा की ग्रे कलर की पेंसिल है ये, और ये आईलाइनर भी है, इससे आप अपना काजल का काम भी ले सकते हैं और आईब्रो पेंसिल की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3-in-1 फॉर्मूला है इस पेंसिल में और काफी पिगमेंटेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 स्वाइप में ही कितना प्यारा शेड देती है। तो चलिए अब मैं आपको इसे फिल कर दिखाती हूँ अपनी आईब्रोज को, उससे आप जान पाएंगे, शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी आईब्रो पेंसिल का कलर जो है चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर कलर जो है डिफरेंट दिख रहा है, तो ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं है कलर, और मैं अब इसे रिमूव कर लेती हूँ। तो ये थी फर्स्ट आईब्रो पेंसिल जो कि ग्रे कलर में थी, और मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ब्लैक कलर की पेंसिल, और ये मैक की आईब्रो पेंसिल है और ये भी काफी पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं, और ये जेट ब्लैक है, ये देखिए। तो चलिए मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर दिखाती हूँ इसकी हेल्प से। ये ब्लैक कलर की है, तो बहुत ही ध्यान से आपने फिल करना है अपने आईब्रोज को। ध्यान कीजिए, सिर्फ आपने अपनी आईब्रोज की गैप को फिल करना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनानी है, नहीं तो बहुत ज्यादा हार्श दिखेगी। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, और इस वक्त मैंने अपनी आईब्रोज को बिल्कुल भी फिल नहीं किया हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए, तो ब्लैक कलर भी पेंसिल मेरे ऊपर सूट करती है, तो मैं कभी कभी ब्लैक से भी अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि अगर आप ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल को यूज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि एक्सेस जो भी हो वो निकल जाए। आप टिश्यू पेपर की हेल्प से भी उसे क्लीन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी लगा होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो ये थी मेरी सेकंड आईब्रो पेंसिल, और अब मैं आपको थर्ड नंबर पर पेंसिल दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर ये है कैमलिन की ब्राउन कलर की पेंसिल है, और तीनों पेंसिल्स का मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। एक और तरीका भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल यूज की थी, और दूसरी आईब्रो में मैं यहाँ पर ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें एक छोटा सा ब्रश दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी पेंसिल है, ये देखिए, बहुत ही ये नेचुरल सा लगता है शेड, बहुत ही अच्छा कलर है।
देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर की पेंसिल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की पेंसिल का इस्तेमाल किया है, और जो नॉइज आ रही है प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, ये काफी नेचुरल लग रही है। आप देख सकते हैं ब्लैक जो मैंने लगाई थी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, और जो ब्राउन है वो काफी नेचुरल दिख रही है, तो मैंने इसीलिए आपको डिफरेंस दिखाया है। आप इस तरीके से भी चूज कर सकती हैं, क्योंकि ग्रे कलर तो आपकी अगर आप एंड में लगाएंगे अपने बालों की जहां पर ग्रोथ नहीं होती, तो उससे भी आपको एकदम से पता चल जाएगा कि आपकी आईब्रो से ये परफेक्टली मैच हो रहा है या नहीं। अदरवाइज आप ब्लैक और ब्राउन में अगर चूज करना चाहते हैं, दो ही शेड अगर आपने चूज करने हैं, दोनों में से कोई एक शेड चूज करना है, या फिर तो आप इस तरीके से भी लगाकर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं आप इसमें। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में, ये काफी नेचुरल दिख रहा है और मैं ज्यादातर इसी पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट मैं अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई ब्रो परमिट वगैरह या पेंसिल्स वगैरह नहीं है, तो आप अपनी आईब्रोज को आई शेडो की हेल्प से भी फिल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी आईब्रोज को इस वक्त क्लीन कर लिया है बिल्कुल, और अब मैं आपको आई शेडो की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज को फिल कर दिखाती हूँ। फर्स्ट नंबर पर मेरे पास जो पैलेट है ये है पॉप फिल का पैलेट है मेरे पास, तो आप इसमें देख सकते हैं काफी खूबसूरत से ब्राउन कलर के शेड है, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कुछ लाइट ब्राउन कलर के शेड है और कुछ डार्क कलर के शेड है, तो आप अपनी आईब्रोज के हिसाब से चूज कर ही सकते हैं। और मेरी स्किन टोन पर ये जो डार्क ब्राउन कलर के शेड्स हैं आप जितने भी देख रहे हैं, ये लाइक ये वाला शेड है और लाइक ये वाला शेड है जो एक डार्क ब्राउन कलर में, ये बहुत ज्यादा सूट करते हैं मेरी आईब्रोज पे। तो इस तरह का अगर आपके पास पैलेट है तो उससे भी आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक और पैलेट है, वो है जैकलिन द हिल पैलेट, ये वाला पैलेट है मेरे पास। तो इसमें जो मुझे दो शेड सबसे परफेक्ट लगे हैं आईब्रोज को फिल करने के लिए वो ये हैं, ये है लाइट ब्राउन और ये है डार्क ब्राउन, और दोनों ही शेड मेरी आईब्रोज पे परफेक्टली मैच होते हैं। तो इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही मुझे ऐसा लगता है ब्रो पोमेड की तरह काम करते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी आईब्रोज को फिल करें तो परफेक्टली इस तरह से एंगुलर ब्रश ले लीजिए एक, और इस तरह के ब्रश से आपने अपनी आईब्रोज को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं इस आप देख सकते हैं ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ। आईब्रोज कॉम करके अगर आप सेट करते हैं ना, तो बहुत ही नाइसली फील होती हैं आपकी आईब्रोज और बहुत ही नेचुरल दिखती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। सबसे पहले मैं ये लाइट ब्राउन कलर का शेड लेकर अपनी आईब्रोज को फिल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो ये देखिए काफी नेचुरल दिख रहा है ये भी, और मुझे बहुत ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आईब्रोज फिल आप सिर्फ अपने गैप्स जो भी होते हैं आईब्रोज को उसको फिल करने के लिए करते हैं आईब्रो पेंसिल का यूज, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी आईब्रो पर मैं यहाँ पर आपको ये डार्क कलर का शेड लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए दोनों ही शेड काफी परफेक्टली मैच हो रही हैं मेरी स्किन टोन से। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप आई शेडो से अगर आप अपनी आईब्रोज को फिल करते हैं तो एक्सेस आपको दिख रहा होगा, तो उसे आप क्लीन कर सकते हैं टिश्यू पेपर की हेल्प से। और एंड में जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगी फ्रेंड्स यहाँ पर, कि जिनकी बहुत ज्यादा विचिट स्किन होती है, फेयर स्किन टोन होते हैं, तो उन स्किन टोन वालों पर ग्रे कलर की पेंसिल और ब्राउन कलर की पेंसिल भी सूट कर जाती है, तो काफी अच्छे लगते हैं उन पर ये शेड्स भी। बट जिनका सांवला रंग और गेहुआ रंग होता है उन्हें ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन कलर की पेंसिल को ही चूज करना चाहिए। और अगर आपको फिर भी अपनी आईब्रो पेंसिल का स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कलर अगर नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।